बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि मतदान कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण 3 और 4 सितंबर को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईवीएम को फिर से एक बार चेक किया जाएगा, जिससे निर्वाचन निर्बाध रूप में सम्पन्न किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का अंतिम रैंडमाइजेशन भी मतदान को जाने से पूर्व किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन सरकारी कार्मिकों के लिए जारी अवकाश का आदेश पूरे जिले में लागू होगा। ईवीएम सुरक्षा के लिए 3-लेयर लॉक सिस्टम रखी गई है। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को मतगणना 14 चरणों में होगी। मतदान दिवस पर जनपद के सभी बॉर्डर सील कर लिए जाएंगे। 3 सितंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये हमारी जो इलेक्शन की तैयारियां है वो पूरी हो गई है। कल हमने जो भी ईवीएम हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई हैं तैयार करके डबल लॉक में, और हमारी 3-लेयर सिक्योरिटी वहां पर लगी हुई है। काउंटिंग हॉल्स हमारे तैयार है, सामग्री हमारी सारी बन चुकी है, उनके बैग्स रेडी हैं। तो कल 3 तारीख को हम जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको सामग्री वितरित करा देंगे, और उनका जो रैंडमाइजेशन होगा वो रैंडमाइजेशन 3 तारीख को ही होगा। ऑब्जर्वर सर उसके लिए टाइम दे देंगे, तो वो जब भी हमें टाइम देंगे 11 बजे देंगे या शाम को देंगे, तो वो उस टाइम पर हम उनको रैंडमाइजेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैंडिडेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी उपस्थिति में होगा। पूरा वीडियोग्राफी उसकी होगी, उसके बाद ड्यूटी सील हो जाएगी।